फटाक खबरें 30 सेकंड में, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों की संख्या दोगुनी हो गई है। मंगलवार को जहां कोरोना के 992 नए मामले सामने आए थे, वहीं 24 घंटे यानी एक दिन में यह आंकड़ा 2000 के पार चला गया। पिछले 24 घंटे के भीतर राज्य में कोरोना के 2038 नए केस मिले, लेकिन राहत की बात यह है कि कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है। लेकिन डराने वाली बात यह है कि 28 मई को कोरोना के 2273 जो नए मामले सामने आए थे, उस दिन के बाद से पहली बार कोरोना के इतने मामले सामने आए हैं। ऐसे में आपके मन में भी सवाल होगा कि क्या तीसरी लहर आ चुकी है, कब तक केसेस बढ़ेंगे, इसका पीक कब आएगा। तो इसको लेकर IIT के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल के मुताबिक जो मौजूदा हालात हैं उसे देखते हुए यूपी में फरवरी में तीसरी लहर का पीक पकड़ सकता है। ये जो तीसरी वेव के बारे में बात हो रही है ओमिक्रॉन की, इसकी संभावना अपने अधिकतम स्तर पे पहुंचने की फरवरी के महीने में है और उसके बाद ये तेजी से संख्या कम होने लगेगी। वहीं उन्होंने अपने गणितीय मॉडल के आधार पर साउथ अफ्रीका से भारत की तुलना करते हुए कहा कि हमारे यहाँ और साउथ अफ्रीका में काफी समानताएं हैं और भारत में भी साउथ अफ्रीका जैसे हालात हो सकते हैं। भारत में अगर हम साउथ अफ्रीका की ओर ध्यान दें तो मेरा अंदाज है कि लगभग वैसी ही स्थिति भारत में होनी चाहिए। साउथ अफ्रीका और भारत में कई चीज़ों में समानता है। एक तो जो पॉपुलेशन है वो, उसका जो एज प्रोफाइल है काफ़ी कुछ समान है। दूसरा, नेचुरल इम्यूनिटी साउथ अफ्रीका में और भारत में लगभग उसी स्तर की है। और साउथ अफ्रीका की ओर देखें हम तो वहाँ पे 17 दिसंबर को अधिकतम स्तर पे था और अब बड़ी तेज़ी से संख्या वहाँ कम हो रही है। वहाँ पे हॉस्पिटल भी ज़्यादा उन पे दबाव नहीं आया, लॉकडाउन भी लगाने की उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इसका मुख्य कारण यह था कि बहुत उच्च स्तर की नेचुरल इम्यूनिटी, 80% लोग करीब नेचुरली इम्यून थे। ऐसा जैसे यूरोपियन देशों में नहीं है, वहाँ पे नेचुरल इम्यूनिटी कम है इसलिए वहाँ संख्या ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये हम बात हमें ये दिखाती है कुछ हद तक कि भारत में भी शायद साउथ अफ्रीका जैसा ही हो। तो प्रदेश में इस वक्त 5,198 कोरोना के एक्टिव केस हैं और अगर हम पिछले कुछ दिनों को देखें, उनके आंकड़ों को गौर से देखें तो ये एकदम क्लियर हो जाता है कि किस तरह से शनिवार को यहाँ ये आंकड़ा 1200 था, वहीं बुधवार तक यानी कि 4 दिनों के अंदर ये 5,000 को पार कर जाता है, यानी 4 दिन में 4 गुना एक्टिव केसेस हो जाते हैं। चलिए चलते हैं पिछले 24 घंटों के कुछ मुख्य जिलों के हालात पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले लखनऊ राजधानी की बात करते हैं, 288 नए मरीज यहां पर मिले पिछले 24 घंटों में। इसके अलावा नोएडा की बात करें तो 511, गाजियाबाद में 255 नए मरीज मिले हैं। हालांकि इसके चलते तमाम व्यवस्थाएं भी की जा रही है, 10वीं तक के स्कूलों को 26 जनवरी तक के लिए बंद करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है और बाकी एहतियाती कदम उठाने की बात भी कही जा रही है। लेकिन ज्यादा एहतियात आपको उठाना होगा, मास्क का इस्तेमाल करते रहिए, हाथों को बार बार साफ करते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और हो सके तो ज्यादा घरों से ना निकले जब तक बहुत जरूरी काम ना हो। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए यूपी तक।